सूर्य कुमार यादव के कंट्रोवर्शियल कैच को और टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बने काफी घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव के कैच पर कंट्रोवर्सी अब जाके स्टार्ट हुई है जो पूरी दुनिया में फैल रही है। अब इंडियंस हमेशा हर बात का पाकिस्तान को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है इस बार पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के दरमियान फाइनल के दरमियान जो कंट्रोवर्शियल कैच किया था सूर्य कुमार यादव ने, जहां पर काफी ज्यादा मीडिया के ऊपर ये बातें क्लेम की जा रही हैं कि थोड़ी बहुत रोप जो थी वो हिल रही थी जहां पर बाउंड्री लाइन बनी हुई थी, तो वहां पर जूम क्यों नहीं किया गया आईसीसी की जानिब से, या फिर आईसीसी के जो एलीट अंपायर्स का पैनल बैठा था, जो थर्ड अंपायर थे, जो फोर्थ अंपायर थे, या फिर जो टीवी अंपायर थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा वहां पर जूम करके पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिखाया गया, ताकि पूरी दुनिया के पास ये बात क्लियर हो जाती कि ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक और ऑफिशियल किस्म का कैच था, इसमें किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं की गई, लेकिन वहां पर किसी किस्म का कोई जूम नहीं किया गया और पूरी दुनिया को नहीं दिखाया गया। अब इस मैच का नतीजा तो नहीं बदलने वाला, बेशक वो कैच हुआ था या पर नहीं, बेशक वो छक्का था या पर नहीं, इस मैच का नतीजा तो नहीं बदलने वाला, लेकिन आईसीसी जो इतने बड़े-बड़े ब्लंडर करता है T20 वर्ल्ड कप के साथ-साथ, जो हम वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला इससे पहले इंडिया में देख चुके हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा आईसीसी के इन्हीं फैसलों के ऊपर कंट्रोवर्सीज चली थी, जो मैं समझता हूं कि आईसीसी को अब काफी ज्यादा इसके तजुर्बात हो चुके हैं, तो इसको अब दूर कर लेना चाहिए। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं हुई, ये जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के सोशल मीडिया के ऊपर आप जाकर देखेंगे तो आपको हर जगह पर सिर्फ यही चीज नजर आएगी कि इंडिया ने हमारे साथ बेईमानी की है, आईसीसी ने हमारे साथ बेईमानी की है, ये मैं या फिर पाकिस्तान का मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया समेत खास तौर पर साउथ अफ्रीका का मीडिया और साउथ अफ्रीका का सोशल मीडिया इस बात की जो है वो निशानदेही कर रहा है कि यह हमारा टोटली तौर पर सिक्स था जिसको अंपायर्स ने कैच आउट करार दे दिया, और अगर यह छक्का हो जाता तो हम बआसानी यह मैच जीत जाते। अब फिर भी 9-10 रन बचने थे, वो पता नहीं अब साउथ अफ्रीकन की टीम बनाने में कामयाब होती या पर नहीं, लेकिन अब उनके पास ये कंट्रोवर्सी तो आ चुकी है कि हमारा अगर ये कैच जो है वो छक्का करा दिया जाता जो कि था ही छक्का, तो फिर हम वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हो जाते, लेकिन इंडिया ने और आईसीसी ने हमारे साथ बेईमानी की है। अब ये जो इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये तो साउथ अफ्रीकन की टीम ही जाकर वहां पर देगी जो आज या कल तकरीबन अपने वतन वापस पहुंच जाएगी, तो अगर ये लोग इन्होंने स्टेडियम के अंदर तो कोई बात नहीं की, लेकिन अपने मीडिया और अपने सोशल मीडिया को देखकर और लोगों के एहतजाज को देखकर अगर ये लोग कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है आईसीसी के लिए और क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। अब देखते हैं कि आईसीसी या फिर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड इस पर किस तरह का रिएक्ट करता है, उनके रिएक्ट करने के बाद ही असल चीजें हमारे सामने आएंगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव ने एक बिल्कुल ठीक कैच किया था या वो छक्का था, अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, और खेलों से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।